सो हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो मैंने मेनू एडिट टूल के बारे में बताया था, उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी जैसे कीबोर्ड शॉर्टकट्स और प्रेफरेंस, और ये सारे जो भी ऑप्शन है वो मैंने आपसे बोला था अगले वीडियो में बताने के लिए। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं टॉपिक पे जो हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स है और प्रेफरेंसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैफे स्माइल के साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं एडिट मेन्यू टूल पे। यहाँ पे आने के बाद हम देखेंगे एडिट इन एडोब ऑडिशन। ये ऑडियो के लिए स्पेशल है, जो कि ऑडियो को रिमिक्स कर सकते हैं या फिर ऑडियो को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, जो चाहे यहाँ से आप कर सकते हैं। एडिट इन एडोब फोटोशॉप, अगर आप चाहते हैं फोटोशॉप में एडिट करना तो यहाँ से भी आप क्लिक करके फोटोशॉप में जा सकते हैं, वहाँ से एडिट कर सकते हैं। फिर हमारा ऑप्शन एक आता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स का। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस के। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ हमारा ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट्स है और नीचे यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड लेआउट प्रीसेट्स। यहाँ पे मेरा प्रीसेट है, जैसे मेरा ये एडोब प्रीमियर प्रो डिफॉल्ट है और एडोब प्रीमियर प्रो CS6 है और ये एविड मीडिया कंपोजर 5 है, और एक ऑप्शन यहाँ पे फाइनल कट का भी दे रहा है, फाइनल कट प्रो 7.0। अगर आप चाहते हैं यहाँ से किसी भी प्रीसेट को यहाँ से यूज में ले सकते हैं, जैसे फाइनल कट को यहाँ से आप यूज में लेके अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिया हुआ है कमांड्स। यहाँ पे एप्लीकेशन है, ऑडियो क्लिप मिक्सर पैनल है, ऐसे ही ढेर सारे ऐसे कैप्चर पैनल है, एडिट टैब पैनल है, ऐसे हिस्ट्री पैनल है। जिस भी कमांड पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका आप शॉर्टकट यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हमको देखना है मार्कर पैनल का, तो यहाँ से आप मार्कर पैनल का जो भी यहाँ पे शॉर्टकट रहेगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। प्रोजेक्ट पैनल का देखना चाहे तो यहाँ पे शॉर्टकट हमारा प्रोजेक्ट पैनल का है। जूम इन एंड जूम आउट के लिए है, डिलीट के लिए है, नेक्स्ट रो के लिए है और नेक्स्ट कॉलम फील्ड के लिए है, मूव सेलेक्ट के लिए है, मूव सेलेक्ट के लिए भी है। ये ढेर सारे ऑप्शन जो है कमांड्स है। फिर से मैं आता हूँ एप्लीकेशन पे, उसके बाद यहाँ पे नीचे दिया हुआ एप्लीकेशन, यहाँ से आप जिस भी चीज़ का चाहे यहाँ से आप सर्च करके उसका शॉर्टकट जान सकते हैं। जैसे हमको जानना है सेलेक्ट करने का, ये हमारा जितने भी सेलेक्ट से रिलेटेड रहेंगे यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसे एप्लीकेशन में क्या है, सिलेक्शन टूल के लिए भी है शॉर्टकट, और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल के लिए शिफ्ट प्लस ए है, और ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल के लिए सिर्फ ओनली ए है। और फाइल में आ जाए, जहाँ पे ये मेनू फाइल है, फाइल में आ जाए, उसके नीचे न्यू में आ जाए और बीन फ्रॉम सिलेक्शन, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। और यहाँ पे गेट प्रॉपर्टीज फॉर सिलेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच, वैसे ही एडिट में आ जाए, एडिट पे आने का सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए, और यहाँ पे डिसलेक्ट के लिए है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए। ऐसे ही अब ढेर सारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्शन से या सेलेक्ट से रिलेटेड रहेगा सारा का यहाँ पे आपको शॉर्टकट मिल जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम एक और देखते हैं, जैसे हम पेस्ट का पे हम पेस्ट क्लिक किए और यहाँ पे आ गए एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे आएंगे, वहाँ से आपको यहाँ पेस्ट दिख जाएगा। पेस्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस वी, और पेस्ट इंसर्ट का है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी, और पेस्ट एट्रीब्यूट्स का है कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी। वैसे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ टाइमलाइन पैनल में आ जाएंगे, तो वहाँ पे आपका पेस्ट इंसर्ट टू सेम ट्रैक, उसके लिए ये शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। वैसे इसके नीचे थोड़ा सा और आएंगे तो यहाँ पे पैनल पेस्ट टू सेम ट्रैक, उसके लिए कंट्रोल प्लस भी है। ठीक है, तो वैसे ही आप ढेर सारे यहाँ पे अगर आपको उसका शॉर्टकट नहीं पता है तो यहाँ से आप सर्च करके यहाँ से आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे सिलेक्शन टूल का भी है, वैसे रिपल एडिट टूल का बी है, रोलिंग एडिट टूल का एन है, रेड स्ट्रेट टूल का आर है, रेजर टूल का सी है, स्प्लिट टूल का यहाँ पे वाई है। वैसे ढेर सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ऐसे यहाँ से इसको ओपन करके आप देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं अगले ऑप्शन पे। ये हमारा कीबोर्ड शॉर्टकट यहाँ पे डायरेक्टली है, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे दो कलर है, एक पर्पल है और एक ग्रीन है। जो जो पर्पल है हमारा एक ही जगह ये वाला वर्क करेगा, और जहाँ पे दो कलर है, एक पर्पल है और एक ग्रीन है, ये दो जगह काम करेगा, दो जगह ये काम कर सकता है। तो अगर आपको देखना है कि यहाँ कहाँ कहाँ काम करेगा, तो यहाँ पे सिंपल से उस पर हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे मार्क आउट और रोटेशन टूल के लिए दो यहाँ पे शो कर रहा है। अगर यहाँ पर कंट्रोल दबा के आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ओपन प्रोजेक्ट होगा,
और ओपन प्रोजेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे शिफ्ट दबा के अगर इसको आप क्लिक करेंगे, ओ को क्लिक करेंगे, तो शिफ्ट दबा के जब ओ को क्लिक करेंगे तो ओपन इन सोर्स मॉनिटर में हो जाएगा, और ओपन इन सोर्स मॉनिटर गो टू आउट। ठीक है, यहाँ पे तीन ऑप्शन है शिफ्ट दबाने के बाद। वैसे यहाँ पे शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाएंगे तो यहाँ पे क्लियर आउट कर देंगे, या फिर पोजीशन ऑब्जेक्ट टॉप टाइटल सेफ मार्जिन, यहाँ पे ये शॉर्टकट है। वैसे ही आप यहाँ से देख सकते हैं कीबोर्ड से अगर आप यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं, देखिए हम यहाँ पे इससे कुछ नहीं करेंगे, अगर कीबोर्ड से हम कंट्रोल प्रेस करते हैं तो यहाँ से कंट्रोल से रिलेटेड जो भी ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे वो यहाँ पे शो करेंगे, कंट्रोल के साथ जो भी यहाँ पे यूज़ होता है यहाँ पे शो करेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे अल्ट दबा के कीबोर्ड से हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी अल्ट के साथ जो भी यूज़ में आता है यहाँ पे सारा शो करेगा। वैसे ही अगर शिफ्ट दबा दें यहाँ पे, तो शिफ्ट दबाने पे क्या होता है कि यहाँ पे शिफ्ट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे प्लस होके यहाँ पे होता है वो यहाँ पे शो करेगा। वैसे ही अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो यहाँ पे उसके साथ जो भी यूज होने वाला रहता है यहाँ पे शो करता है। वैसे ही अगर हम कंट्रोल प्लस अल्ट दबाते हैं तो यहाँ पे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे जो हमें कंट्रोल प्लस अल्ट से जो जुड़े रखते हैं। वैसे ही हम यहाँ से अल्ट प्लस शिफ्ट दबाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्ट और शिफ्ट से जो भी हमारे यूज़ में आता है वो यहाँ पे शो करता है। ठीक है, वैसे ही अगर हम तीनों बटन साथ में दबाएं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट, तो यहाँ हमारा जो भी इसके साथ साथ में काम करता है, वर्क करता है, वो यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे जो भी यहाँ पे शो कर रहा है वो शो करेगा। आते हैं हम अपने अगले ऑप्शन पे, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं। वैसे ही अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड से अगर हम अल्ट प्रेस करें, यहाँ से हम अगर अल्ट प्रेस करें तो ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे अंडरलाइन यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे अल्ट प्रेस कर रहे हैं वहाँ पे अंडरलाइन शो कर रहा है। जैसे ही अगर यहाँ अंडरलाइन के नीचे जो भी यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, वहाँ पे जो भी वर्ड लिखा है, ऐसे यहाँ पे ई लिखा हुआ है या फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है या इसे वी लिखा हुआ है, इसके अंडरलाइन जिसके भी नीचे अंडरलाइन किया हुआ है उसको अगर हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पे ई के नीचे अंडरलाइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे ई सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा ये खुल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ से आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हम रिमूव अनयूज्ड को यहाँ सेलेक्ट करें तो यहाँ से आर के नीचे अंडरलाइन है तो यहाँ से आर क्लिक करेंगे। आर क्लिक करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी यूज्ड है यहाँ से यहाँ ये रहेंगे और जो अनयूज्ड है वहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे। जैसे मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं इतने सारे यहाँ से ये अपने आप डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन मेरा आता है प्रेफरेंसेस का, यहाँ से आप जनरल पे क्लिक करके देख सकते हैं ये हमारा प्रेफरेंसेस खुल गया। ये हमारा एडोब प्रीमियर प्रो का ऑल सेटिंग है, जनरल है, अपीयरेंस है, ऑडियो के लिए है, ऑडियो हार्डवेयर के लिए है, ऑटो सेव के लिए है, कैप्चर के लिए है, कोलेब्रेशन के लिए है, कंट्रोल सरफेस के लिए है, डिवाइस कंट्रोल के लिए है, और ग्राफिक्स के लिए है, लेबल्स के लिए है, मीडिया के लिए, मीडिया केस फाइल के लिए है, और मेमोरी के लिए है, प्लेबैक के लिए है, टाइमलाइन के लिए है, ट्रिम के लिए है। तो यहाँ जनरल में सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, क्या लिखा है, वेन ओपनिंग अ प्रोजेक्ट यहाँ पे सो ओपन डायलॉग, तो ये सारे यहाँ पे सेटिंग दिए हुए हैं। वैसे यहाँ पे नीचे आएंगे आप, यहाँ पे जो भी सेटिंग यहाँ से आप चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं आपको ये सारे के बारे में अगर बताने लगूँ तो बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। अगर आप चाह रहे हैं कि इस पर डेडिकेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप बारी बारी सारे को यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे कैसे कैसे क्या हो रहा है। यहाँ से आप Adobe Premiere Pro की सारे सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में हम। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं, तब तक के लिए बाय।